Good morning, dear student. Today we are going to start. The new topic is solve the following word problem. आज हम क्लास फर्स्ट में मैथ्स में यूनिट थ्री में सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? सम गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम. यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दी है, स्टेटमेंट दिया है. मैं इसको रीड करती हूँ. अतुल हैज फोर टॉपीज. अतुल नाम का एक बॉय है जिसके पास फोर टॉपीज हैं. ही बॉट थ्री मोर. उसने थ्री और ले ली. हाउ मैनी टॉफीज डज ही हैव? उसके पास टोटल कितनी टॉफी हुई हमें ये बताना है. देखते हैं. अतुल हैज फोर टॉफीज. अतुल के पास फोर टॉफीज है. हम देखते हैं फोर. ही बॉट थ्री मोर. उसने थ्री और ले ली. तो फोर के नीचे लिख देते हैं थ्री. इसको सम ऐड कर देते हैं. हाउ मैनी टॉफीज डज ही हैव? उसके पास टोटल कितनी टॉफीज हुई काउंट करते हैं. फोर टॉफीज थी, थ्री और ले ली. कितनी हुई? फोर है तो फोर राइट ऑफ करेंगे. वन टू थ्री फोर. नंबर थ्री, वन टू थ्री ऐड करते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. आंसर आया सेवन. कितनी टॉफी हुई टोटल उसके पास? सेवन टॉफी. तो यहाँ लिखेंगे नीचे नाम अतुल has seven toffees. आया समझ में बच्चों आपको? देखो, अतुल has four toffees. अतुल के पास four toffees है. He bought three more. How many toffee does he have? Three more. Three. स्टूडेंट्स देखिए, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. मेरे पास वन पेन है. मैंने वन पेन और ले ली तो मेरे पास टोटल कितनी पेन हुई? टू पेन हुई. ओके, इसी तरह हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मनीषा हैज थ्री डॉल. मनीषा के पास कितनी डॉल है? थ्री डॉल. हमें लिख दिया थ्री. हर फादर गेव हर टू डॉल्स. उसके फादर ने उसे कितनी डॉल दी? टू डॉल और दे दी. तो हमने लिख दिया टू. हम ऐड करेंगे इसको. हाउ मैनी डॉल्स डज शी हैव नाउ? उसके पास कितनी डॉल हुई टोटल? थ्री डॉल उसके पास थी. उसके पापा ने उसे टू डॉल और दे दी. तो किसने कितनी हुई काउंट करते हैं. नंबर दिया थ्री, लाइन ड्रॉ करके वन टू थ्री ऐड करेंगे. नंबर दिया टू, वन टू काउंट करते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव. आंसर आया फाइव. टोटल कितनी डॉल्स हुई उसके पास? फाइव डॉल्स. आंसर में लिखेंगे हम मनीषा हैज फाइव डॉल्स. आ रहा है ना समझ बच्चों आपको? मनीषा के पास थ्री डॉल्स थी, हमने लिख ली थ्री डॉल्स. फिर फादर ने टू डॉल्स और दी तो टोटल कितनी डॉल्स हुई उसके पास? मनीषा हैज फाइव डॉल्स. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है, देयर आर फाइव वर्ड्स ऑन अ ट्री. एक पेड़ पर कितने वर्ड्स हैं? फाइव वर्ड्स हैं. थ्री मोर वर्ड्स कम देयर. वहां पर थ्री वर्ड्स और आ जाते हैं तो टोटल कितने हुए? हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री? ट्री पर टोटल वर्ड्स कितने हुए ये हमें बताना है. देयर आर फाइव वर्ड्स ऑन अ ट्री. फाइव वर्ड्स थे ट्री पर, थ्री मोर कम देयर. वहां पर थ्री और आ जाते हैं तो टोटल कितने हुए ट्री पर वर्ड्स? देखते हैं. फाइव लाइन ड्रॉ करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव. नंबर थ्री, वन टू थ्री काउंट करते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. आंसर हुआ हमारा एट. तो टोटल कितने वर्ड्स हुए ट्री पर? एट. आंसर में लिखेंगे हम एट वर्ड्स ऑन द ट्री. ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ आपको? अब हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं.
पिता के पास टू बलून्स थे, हर फादर गिव हर फाइव मोर बलून्स, उसके फादर ने उसे फाइव बलून्स और दे दिए। हाउ मैनी बलून्स डज शी हैव नाउ, उसके पास टोटल बलून्स कितने हुए देखते हैं, हम सॉल्व करेंगे। अक्षिता हैज टू बलून्स, अक्षिता के पास टू बलून्स थे, हर फादर गिव हर फाइव मोर बलून्स, उसको फाइव बलून्स और दिए उसके फादर ने, तो टोटल कितने हुए देखते हैं हम। टू बलून्स थे तो हमने लाइन ड्रॉ की, वन टू नंबर दिया फाइव, फाइव लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल बलून्स कितने हुए अक्षिता के पास, सेवन बलून्स, तो आंसर में लिखेंगे हम अक्षिता हैज सेवन बलून्स। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ आपको, देखो अक्षिता के पास टू बलून्स थे, उसके फादर ने फाइव बलून्स और दे दिए उसको, तो टोटल बलून्स कितने हुए अक्षिता के पास, अक्षिता है सेवन बलून्स। ओके अब नेक्स्ट बर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। बर्ड प्रॉब्लम है हमारी, देयर आर थ्री किटन्स इन आवर रूम, किटन्स मींस होता है स्टूडेंट्स कैट के बेबी को किटन्स होते हैं, तो थ्री किटन्स इन आवर रूम, थ्री किटन्स थे एक रूम में, थ्री किटन्स एक रूम में थे, टू किटन्स ज्वाइंट देम, और वहां पर टू किटन्स और आ जाते हैं रूम में, ज्वाइंट हो जाते हैं वहां, तो टोटल कितने किटन्स हुए रूम में, हाउ मैनी किटन्स वर देयर इन द रूम, वहां पर टोटल कितने किटन्स हो जाते हैं रूम में, सॉल्व करते हैं हम। देखो देयर आर थ्री किटन्स इन अ रूम, रूम में थ्री किटन्स थे, टू किटन्स ज्वाइंट देम, टू किटन्स और ज्वाइन हो जाते हैं वहां, तो टोटल कितने किटन्स हुए रूम में, काउंट करते हैं हम, वन टू थ्री लाइन ड्रॉ की मैंने, टू लाइन ड्रॉ करते हैं, वन टू काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, आंसर हुआ हमारा फाइव, तो हम लिखते हैं आंसर में फाइव किटन्स इन द रूम, टोटल कितने हुए फाइव किटन्स इन द रूम, फाइव किटन्स हुए टोटल रूम में। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ आपको, आपको क्या करना है अपनी बुक से देखकर ये बर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट फोर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर।